एल्बम डिजाइनिंग के लिए हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है करेक्शन, दूसरी रिक्वायरमेंट है कटिंग और तीसरी है लेआउटिंग। तो एल्बम सेंस सीसी हमें देता है ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग, और वो भी चंद सेकंडों में। हमें सिर्फ कुछ फोटो सिलेक्ट करने हैं और एक बटन दबाना है जिसकी मदद से हमारा एक डिजाइन तैयार हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिक कलर करेक्शन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन इन बैच में जाके सिर्फ आपका ओरिजिनल फोल्डर सिलेक्ट करना है, जिसकी मदद से आपका पूरा फोल्डर करेक्शन हो जाएगा। और तीसरी फैसिलिटी है हमारी ऑटोमेटिक कटिंग, जिसमें आपको कट सेंस दिया गया है, जिसमें आपको फोटो सिलेक्ट करके उसको आउटर साइड से सिलेक्ट करके सिर्फ एक बटन दबाते ही आपका सिंगल कलर बैकग्राउंड तो बहुत आसानी से कट हो जाता है, बल्कि मल्टी कलर बैकग्राउंड वाले फोटो भी इजीली कट हो जाते हैं। तो आइए सारे डेमोज में आपको दिखा देता हूं। जब आप ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग करते हैं तो उस समय पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं और न्यू एल्बम प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो अब इस प्रोजेक्ट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो जब हम जनरली देखा जाए तो एल्बम डिजाइनिंग करने के लिए हमें एक PSD फाइल ओपन करनी पड़ती है, या तो एक ब्लैंक डिजाइन ओपन करनी पड़ती है या एक ब्लैंक पेज ओपन करना पड़ता है। बट एल्बम सेंस सीसी के अंदर आपको ना तो कोई ब्लैंक पेज ओपन करना है ना कोई रेडीमेड PSD ओपन करनी, जस्ट जो फोटो को आप डिजाइन में लेना चाहते हैं उन फोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने 7 फोटो सिलेक्ट किए। फोटो सिलेक्ट करते ही हम ऑटो पेज के बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने ऑटो पेज के बटन को क्लिक किया, देखिए ये एक रेडीमेड डिजाइन तैयार होके आ गई है। इतना आसानी से आपको डिजाइनिंग मिलता है। अगर ये डिजाइन आपको पसंद नहीं है तो आप फिर से ऑटो पेज के बटन को क्लिक कीजिए, तो आपको उन्हीं फोटो में से फिर से एक नया लेआउट तैयार होके मिल जाता है। इस तरह से लगातार जितनी भी बार आप ऑटो पेज के बटन को क्लिक करते हैं तो आपको हर बार एक नया डिजाइन मिलता है। इसके अलावा इसके बाजू में एक बटन है टेम्पलेट। आप इन्हीं फोटो को सिलेक्ट करके अगर डिजाइन सिलेक्ट करके बनाना चाहते हैं टेम्पलेट की मदद से, तो आप टेम्पलेट के बटन को क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप टेम्पलेट के बटन को क्लिक करते हैं तो जो 7 फोटोग्राफ आपने सिलेक्ट किए हैं उन्हीं 7 फोटो में से आपको रेडीमेड लेआउट्स मिलते हैं कि ये 7 फोटो आप अलग अलग कितने तरीके से लगा सकते हैं। इसमें से अगर कोई लेआउट आपको पसंद आया, ये सिलेक्ट हमने किया, डबल क्लिक किया, तो अब आपका डिजाइन टेम्पलेट की मदद से तैयार हो जाएगा। तो ये आपका टेम्पलेट की मदद से भी डिजाइन तैयार हो गया है। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हम बैकग्राउंड गैलरी में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको अनगिनत बैकग्राउंड दिए हुए हैं जिसे आप डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। अगर आपको फोटो की जगह चेंज करनी है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये ब्लू हो गया इसका आउटर बॉर्डर, इसको सिलेक्ट किया ये भी ब्लू हो गया, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करके हमने स्वैप को क्लिक किया। ये देखिए इतना आसानी से आपके फोटोग्राफ का प्लेस भी चेंज हो जाता है। अगर आपको इसको कंपोज करना है तो कंपोजिशन कितना इजी है। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो ये ब्लू बॉर्डर है, तो ये आपका कंपोजिशन हो रहा है। अगर इसको डबल क्लिक करेंगे ग्रीन बॉर्डर होगा, तो अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इतनी आसानी से आप एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा एल्बम एक साथ डिजाइन करना है तो इसके लिए भी हमने फैसिलिटी दी हुई है, जिसको हमने बैच नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप बैच में जाते हैं तो ये आपको पेज सेव करना है या नहीं इसके लिए पूछा जा रहा है, हम नो कर देते हैं। यहाँ बैच के अंदर आपको सारे फोटोग्राफ जो आपने फोल्डर सिलेक्ट किया है उसके दिख रहे हैं। इसमें आपको दो तरह के बैच मिलते हैं। अगर आपको कस्टम बैच करना है, मतलब कि सिलेक्टेड फोटो के हिसाब से आपको डिजाइन बनाना है, तो हम यहाँ पे ये हमने फोटो कुछ सिलेक्ट किए, समझो इनमें से हमें डिजाइन बनाना है। ये हमने 6 फोटो सिलेक्ट किए, क्विक क्रिएट किया, तो ये देखिए आपका एक डिजाइन बन गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है रो एल्बम पेज। अब हम दूसरे कुछ फोटो सिलेक्ट करते हैं, इसको हमने किया क्विक क्रिएट। यहाँ पे देखिए हमारे 2 रो एल्बम पेज बन चुके हैं। टोटल हमारे पास 196 फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप फिक्स बैच में जाना चाहते हैं, फिक्स बैच मतलब कि पूरा का पूरा एल्बम एक साथ आप सिलेक्ट करके समझो 6 फोटो पर पेज डालना है, 8 फोटो पर पेज डालना है, तो आप उतने फोटो सिलेक्ट कर लीजिए और फिक्स बैच कर दीजिए। जैसे ही आप फिक्स बैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हाउ मेनी फोटोग्राफ्स यू वांट टू अटैच इन पर पेज, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है। समझो हमने 8 पेज सिलेक्ट किए, समझो 8 फोटो हमने सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे देखिए 25 पेजेस आपके बन रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एल्बम बैच में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग आपका हो जाता है। अब दूसरा अहम फीचर है कलर करेक्शन।
तो कलर करेक्शन आप जो आपके बने हुए पेज हैं उनको लोड करके मैन्युअली तो कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक एल्बम करेक्शन, एआई करेक्शन इन बैच। तो बैच में क्या होता है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम अपने मास्टर फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप मास्टर फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव में न्यू नाम का फोल्डर है, इसको हमने सिलेक्ट किया और ओके किया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स पड़े हैं उन सभी फोटोग्राफ को वो बैच में करेक्शन करता जाएगा। हाँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ओरिजिनल फोटोग्राफ कहीं नहीं जाएंगे, उनको कोई वो नहीं छेड़ेगा। उसी फोल्डर के अंदर करेक्टेड नाम का फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर आपके सारे करेक्शन वाले फोटोग्राफ सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा फोल्डर करेक्शन भी हो जाता है। अब तीसरा इसका अहम फीचर है ऑटोमेटिक कटिंग। अब ये कटिंग कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। हम यहाँ पे एक बेसिक डिजाइन बनाते हैं, ये हमने फोटो सिलेक्ट किए, हमने ऑटो पेज के बटन को क्लिक किया, ये हमारा एक डिजाइन बन गया। अब समझो इस फोटो को हमें कटिंग करना है, इसको सिलेक्ट किया, हम कट सेंस में चले जाते हैं। यहां से हमें सिर्फ फोटो को नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट करना है, ये हम आउटर साइड से सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। यहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हो गए हैं, हमने आउटर साइड से सिलेक्ट किया, मैंने आउटर के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को बटन को क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया तो मेरे सिलेक्शन को उसने रिक्टिफाई कर दिया। अब मैं कट इनवर्ट सिलेक्शन करता हूं, ये कट इनवर्ट सिलेक्शन करते ही मेरा फोटो कटआउट हो गया है। अब यहां पे हमारे पास एक और फैसिलिटी है, समझो कोई पार्ट हमारा रह गया है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब समझो ये जो ऊपर का जो पार्ट है व्हाइट पार्ट, जो उसका जो पंख जो है उसको हमें लेना है तो हम उसको भी आसानी से ले सकते हैं, यहाँ से हम इरेज करके भी ले सकते हैं, ये हमने समझो इरेज कर दिया। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये पार्ट हमारा आ गया है। अब इसको और प्रॉपर करना है तो कैसे करेंगे, यहां से हम सिलेक्शन लेते हैं, ये हमने लासो टूल से इसको सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिमेन लाइट कलर, हमने रिमेन लाइट कलर किया, देखिए डार्क कलर इसका डिलीट हो गया है और लाइट कलर ही रह गया है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन जो है इसको हमें निकालना है तो हम इजीली लासो टूल से ही सिलेक्शन करके हम निकाल सकते हैं, ये देखिए इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं तो हमारा कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाता है। प्लस ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कटिंग करने के बाद फोटोशॉप में आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप फेदर नहीं लगा सकते, ये पूरा कटिंग होने के बाद भी सॉफ्टवेयर अपना रिफाइन एज का ऑप्शन देता है और आप इसको फेदर लगा सकते हैं। आप उसको चेक करना है तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रीव्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, ये व्हाइट बैकग्राउंड में भी आपको दिखाएगा। आपको फेदर बढ़ाना है तो आप यहां से अप्लाई करके बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको ओके कर देते हैं तो हमारे पास ये कटआउट रेडी होके आ गया है। अब इस कटआउट को हमें इसकी यहां से हम इसको हटा देते हैं, यहां पे हम समझो कटआउट रख देते हैं, ये हमने यहां पे कटआउट लिया, इसका साइज मैं बढ़ा देता हूं। अब मुझे इसको नीचे की साइड से फेदर देना है तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन में जाके इंस्टेंट फेदर नाम का ऑप्शन है तो मैं ये बॉटम साइड से इसको फेदर दे देता हूं तो ये मेरा फेदर भी लग गया। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं इतने शॉर्ट डेमो में आपको नहीं दिखा पाता, बट ये सारी की सारी चीजें आपको एल्बम डिजाइनिंग में बहुत ही यूजफुल है। तो प्लस इन सारी सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी के साथ आपको सॉफ्टवेयर देता है अनगिनत डिजाइन, अभी आपको मिल रही है टोटल 33 थीम्स, हर थीम के अंदर आपको करीब 7000 डिजाइन मिलेंगी, तो कुल मिला के 200,000 से ज्यादा रेडीमेड डिजाइनिंग लेआउट भी आपको अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर की प्राइस है 7500 रुपए। अगर आपके पास पुराना प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है तो आप इजीली सिर्फ 3000 रुपए में अपने बेसिक जो प्लस प्लस आपके पास जो अवेलेबल है उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका प्लस प्लस भी चालू रहेगा और सीसी आपका अपडेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।